गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? आज मैं आप लोग दिखाऊंगा नगे पम पंचायत के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, चाहे पीएमओआईजी हो या तो सरकारी दूसरे किसी भी योजना हो। मेरे पीछे जो घर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इनको घर की सख्त जरूरत है। ये देखिए घर की हालत, कब टूट के गिरेगा, कि बच्चे भी है सुना है घर में, तो घर कब टूट के गिरेगा, कब मरेगा कुछ पता नहीं, लेकिन सरकारी पीएमओआईजी लिस्ट पे इनका नाम नहीं है। इनके जैसा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकारी पीएमओआईजी मिलना जरूरी है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पीएमओआईजी एक बार मिला है, फिर से दोबारा लिस्ट पे नाम आया है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको एक बार मिला है, दो बार मिला है, तीसरी बार भी मिल रहा है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है इनकी हालत ये देखिए, ये मेरे पीछे जो घर है इनको एक बार भी नहीं मिला है, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि नगे पम पंचायत में किसी बड़े ऑफिसर को भेजिए और ये सबकी इंक्वायरी कीजिए कि किनको घर मिल रहा है, किनको जरूरत है, किनको घर देने की जरूरत नहीं है। ये अंदर में और भी खराबी है, कब टूट के गिरेगा, मैं अंदर जाके देखा हूँ, लेकिन अंदर में अंधेरा है इसलिए आप लोग दिख नहीं पाएंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता। बाहर के हालात ऐसे है, ये देखिए नगे पम पंचायत के 6 नंबर वार्ड के मेंबर और जीपीसी साहब से मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि ये लोग भी आके एक बार देखिए, उनके बारे में सोचिए। 18 के जियोटेकिंग लिस्ट में नाम था लेकिन नाम का काट दिया गया है, लेकिन जिनका नाम काटना चाहिए था उनका नाम नहीं कटा, जिनका काटना नहीं चाहिए था उनका कटा है। तो इसलिए घर पे आके इंक्वायरी कीजिए और देख के जो घर पाने के लायक है उसको घर दीजिए। और आसाम सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ, किसी दिन ये वीडियो अगर आसाम सरकार के पास पहुँच जाए तो नगे पम पंचायत में किसी बड़े अफिसर को भेज कर नगे पम पंचायत की इंक्वायरी कीजिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए था, जो होना नहीं चाहिए था शायद वो हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसको घर मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा चाहिए था उसको मिल रहा है, उसको एक बार मिल रहा है, दो बार, तीसरी बार भी मिल रहा है, और जिसको नहीं, जिसको मिलना चाहिए था उसको एक बार भी नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे घर की हालत देखिए।